हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्ते उद्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ 3 नंबर लड्डू गोपाल का कुर्ता कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी नोट बनके तैयार हो गई और ये है हमारे 11 mm का कुर्सिया हुक। तो देखिए, मैं चेन बनाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 चेन बन के तैयार होगी गैस। अब देखिए, एक चेन हमारी कुर्सिया हुक में है और दो चेन स्किप करेंगे। ये तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर मैं डबल कुर्सिया कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए, जो हमने स्किप करी थी, एक तीन की चेन हो गई। एक डबल क्रोशिया, अब जो हमने डबल क्रोशिया करी है उसी के अंदर एक बार और कर देंगे डबल क्रोशिया। तो देखिए, एक चेन में हमारे दो बार हो गई डबल क्रोशिया और एक तीन की चेन, टोटल हमारी 3 हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी और फिर सेम चेन में एक बार और करूँगी। फिर देखिए गाइस, एक चेन में एक बार और फिर सेम चेन में एक बार। इसी तरीके से मुझे हर चेन में एक दो दो बार डबल क्रोशिया एक चेन में करते हुए आना। तो चलिए गाइस, कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा पहला राउंड है। पहला राउंड में हमारे 29 हो गए हैं, 29 आए हैं पहले राउंड में हमारे डबल क्रोशिया। अब मैं इसको टर्न करूँगी। एक, दो, तीन, फर्स्ट चेन देखिए, ये 3 की चेन हो गई। अब ये हमारी फर्स्ट चेन और फर्स्ट चेन में एक बार करूँगी और सेम चेन में एक बार और कर दूँगी। तो हमारे टोटल 3 हो गए। अब फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। अब आ गई थर्ड नंबर की चेन और थर्ड नंबर की चेन में मुझे दो बार करना है। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। दो चेन में मुझे एक एक बार करना है और ये थर्ड नंबर की चेन आ गई। तीसरे नंबर की चेन में मुझे दो बार करना है एक चेन में। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ गैस। देखिए गैस, ये हमारे दो राउंड हो गए और दूसरे राउंड में है 39। अब मैं इसे नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी तो वो ध्यान से देखिएगा। इसे नेक्स्ट राउंड है, इसमें मुझे बाजू निकालनी है। 3 की चेन, फर्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, देखिए एक दो तीन, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। देख, काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, छ, सात, देखिए 7 चेन हो गई, 7 डबल क्रोशिया बना दी हमने और साथ ही हमें स्किप करनी है। एक दो तीन चार,
5, 6, 7 सात स्किप करके आठवीं चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार दो हो गए, नेक्स्ट चेन में एक बार तीन, नेक्स्ट चेन में एक बार चार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में पांच डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में छह डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सात डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में आठ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में नौ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 10 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 11 डबल क्रोशिया। गाइस हमने पीछे 11 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए स्किप करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठवीं चेन में डबल क्रोशिया दोबारा कर दो, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में तीन डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में चार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में पांच डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में छह डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सात डबल क्रोशिया। देखिए जब हम कुर्ता बनाते हैं ना तो ये थोड़ा सा चढ़ा हुआ आता है ऊपर से, इसलिए ये थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हो इसका जो साइड वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, क्योंकि ये हमें इस तरीके से पहनानी होती है कुर्ता, आगे का थोड़ा छोटा होता है और पीछे का थोड़ा सा बड़ा। तो कंफ्यूज ना हो गाइस, अब इस तरीके से हम टर्न करेंगे और फिर फर्स्ट चेन में एक बार, फिर सेकंड चेन में एक बार। अब गाइस मुझे ये देखिए 1, 2, 3, 4 चौथा राउंड और बाजू के नीचे वाला हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना। तो देखिए गाइस वैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसे मैं ज़्यादातर यहाँ पर अभी बुन के दिखा देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। हर चेन में मैं एक एक बार लेती हुई जा रही हूँ गाइस, देखिए गाइस ज़्यादातर मैं यहाँ की स्क्रिप करना बता देती हूँ आपको, मगर जब हम कुर्ता बनाते हैं तो इसको स्क्रिप नहीं करते, इसमें एक चेन ले लेते हैं इस तरीके। हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करना है, तो चलिए करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से इतनी चढ़ी हुई आई है इस तरीके, इधर से इस तरीके से ये चोली बन के रेडी हो गई है। और देखिए ये हमारा पोजीशन इतना चढ़ा हुआ है। तो गाइस अगर आपको जैसे डोरी नहीं, वैसे तो यहाँ पर डोरी लगा देते हैं हम, बट आपको डोरी नहीं लगानी है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर आप चिट चैट लगा दें, इस तरीके से चिपक जाएगा और फिर नीचे कुर्ता बन जाएगा। अब देखिए कुर्ता कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई, अब ये है हमारा, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये जो बाजू की सीध वाली है यहाँ पर हम रखेंगे इस धागे को, यहाँ से हम जॉइंट करें, 1, 2, 3 इसी चेन में एक बार और ले लेंगे। एक चेन में दो बार हो गई, फिर गाइस यहाँ से नेक्स्ट चेन में मुझे एक बार डबल क्रोशिया करनी है, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करनी है, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करनी है। गाइस बीच में हमें एक एक बार करनी होती है, और स्टार्टिंग में और एंड में एक चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करनी है। देखिए एक राउंड बता देती हूँ आपको,
इस तरीके से आ गए हम। इस तरीके से अब आगे हम ये वाली एक लास्ट में चेन रह गई है तो हम इसमें दो बार करेंगे, एक बार और सेम चेन में दो बार। इस तरीके से यहाँ पर भी हमने जो बाजू की सीध वाली एक चेन है उसके ऊपर दो लिए हैं, और देखिए यहाँ पर भी बाजू की सीध वाली चेन है उस पर ऊपर दो लिए हैं। इसको हम टर्न करेंगे, एक दो तीन, अब फर्स्ट चेन में फिर दोबारा से हमें दो बार करना है। एक चेन में दो बार हो गया गाइस, थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और वैसे भी कुर्ता बनाना मैंने बता दिया सेम पैटर्न में बनाते हैं। अगर चोली आपकी समझ में नहीं आई हो गाइस तो मेरे चैनल पर 3 नंबर की चोली भी पड़ी हुई है, उसे बना के और इस तरीके से बना लें। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी गाइस। और भी किसी, और ये मैंने किसी मेरी प्यारी सी सिस्टर का कमेंट आया था कि 3 नंबर लड्डू गोपाल का कुर्ता चाहिए, तो इसी वजह से बना रही हूँ वीडियो। और भी किसी को किसी साइज में बनवानी हो ड्रेस तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो गाइस। इस तरीके से अब देखिए फिर हमारी लास्ट की चेन आ गई, तो इसमें फिर हम दो बार कर देंगे, एक चेन में दो बार। तो देखिए हमारा ये थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ता हुआ आएगा। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें दो करने हैं और यहाँ पर दो करने हैं, बाकी बीच में सब में एक एक बार करते हुए आना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, एक दो तीन चार, चार राउंड बन गए मेरे। चार राउंड मैंने इस तरीके से बना के रेडी कर दिए हैं, दोनों साइड में एक एक, दोनों साइड में लास्ट की चेन में और फर्स्ट की चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए मैंने देखिए एक दो तीन चार राउंड बनाए हैं। आगे का एक राउंड गाइस हम कम रखते हैं क्योंकि जब कान्हा जी बैठते हैं तो ये ज़्यादा आगे आता है तो अच्छा नहीं लगता। पीछे का एक एक राउंड हम ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से ये बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, यहाँ से बताऊँगी। इसको भी हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बताऊँगी इस तरीके से दो चेन। अब इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया कर दूंगी, दो चेन हो गई एक चेन में। अब यहाँ से एक एक बार सभी डबल सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है मुझे इस तरीके से, हर चेन में एक एक बार। इस तरीके से एक एक बार होगी। अभी लास्ट की चेन रहेगी तो इसमें भी हम कर देंगे। अब देखिए टर्न करेंगे, एक दो। अब गाइस हमें यहाँ पर फर्स्ट चेन में नहीं, ये वाली चेन में नहीं लेना है, इससे नेक्स्ट वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया करनी है क्योंकि इसमें ले दिया तो ये बढ़ जाएगा। इसके लिए इसमें हमें इस तरीके से
देखिए अब ये लास्ट की चेन आ गई हमारी, अभी तो गैस ये वाली रह गई है। देखिए ये हमारी लास्ट की चेन आ गई, तो लास्ट की चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया करनी है, एक बार हो गई और सेम चेन में एक बार और करनी है। दो हो गए, फिर टर्न करेंगे, एक दो, और फिर लास्ट फर्स्ट वाली चेन में जब हम इधर की साइड से जाएंगे तो हमें लास्ट की जो जो फर्स्ट वाली चेन है ये वाली, इसमें दो बार डबल क्रोशिया करना है एक चेन में। बट इधर की साइड से खुले हुए की तरफ से हम आएंगे तो इधर हमें एक भी नहीं बढ़ाना है, इधर लास्ट वाली बंद वाली तरफ आएंगे बाजू की तरफ, तो यहाँ पे हमें इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से ही हमें एक एक डबल एक चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करती हुई राउंड कंप्लीट करना है। जैसे अभी किया मैंने दो बार एक चेन में, और बाकी की सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया हमें उतारनी है इस तरीके से। कुछ भी नहीं बढ़ाना, इधर नहीं बढ़ाना है, लास्ट करेंगे डबल क्रोशिया तो भी हमें बढ़ाना है पीछे वाली में, और स्टार्टिंग करेंगे तो भी बढ़ाना है, एक ही साइड से बढ़ाते हैं इसमें गैस इस तरीके से। अब देखिए फिर मैं इसको टर्न करूँगी, और फिर मैं इसको टर्न करूँगी तो यहाँ पर हम फर्स्ट चेन में नहीं लेंगे, इससे नेक्स्ट वाली चेन में लेंगे, फिर हम यहाँ पर लास्ट में जो लास्ट वाली चेन है इसके अंदर दो बार लेंगे, फिर हम इधर से टर्न करेंगे फिर इसमें दो बार लेंगे, मगर फिर हम यहाँ पर एक ही एक बार लेना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। देखिए मैंने पीछे से ये जॉइंट नहीं करा है क्योंकि ये मैंने चार नंबर लड्डू गोपाल के भी बनाया है, तो मेरे पास जो लड्डू गोपाल हैं वो चार नंबर के हैं, तो इसके लिए मैंने ये चार नंबर को भी बना सकती हूँ। तो गाइस यहाँ तो हमारी डोरी लग जाएगी, अगर मैं यहाँ जॉइंट, अगर आप तीन नंबर को ही बनाना चाहते हो, मतलब एक ही लड्डू गोपाल को पहनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सुई धागे से पिनअप कर लेना, यहाँ पर दोनों पार्ट को लेके सुई धागे से यहाँ पर सिल लोगे तो ये जॉइंट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर आप डोरी लगा सकते हो। डोरी लगाना भी बता दूंगी मैं आपको। और देखिए एक राउंड ज़्यादा है, इधर चार राउंड है और इधर पांच राउंड है, तो आप चाहो तो इधर से भी पहना सकते हो, पीछे से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से ही पहना सकते हो आप। अगर तीन नंबर लड्डू गोपाल के पहनाना है तो इधर से पहना है, और चार नंबर के पहनाना है तो खुले की तरफ से पहना है, बहुत आसानी से अच्छे से आ जाएगा। और देखिए गाइस ये हमारी बाजू बन के रेडी हो गई है। अब मैं कैसे रेडी किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये वाली जो डिज़ाइन गई है, दूसरे नंबर का जो राउंड है वहीं पर हम लास्ट में ये जो होल दिख रहा होगा गाइस आपको छोटा सा, इसी में मैं लॉक कर दूंगी, और इसमें बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया। क्या होता है ना कि मैं बोलते बोलते कभी कभी डबल क्रोशिया भी भूल जाती हूँ, इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया से काम करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लॉक कर लेती हूँ अपने धागे को और दो चेन बना ले। अब इसी में फिर दोबारा से एक बार और हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी इस तरीके से, तो ये लॉक हो गया और हाफ डबल क्रोशिया हो गई एक। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी हाफ डबल क्रोशिया, इस तरीके से तीनों को एक साथ निकाल दे दें, उसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर हमारी हाफ डबल क्रोशिया बन गई। फिर इस तरीके से देखिए जहाँ तक मुझे चेन दिख रही है उस चेन में मैं पूरा हाफ डबल क्रोशिया एक एक बार बनाते हुए जा रही हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारी यहाँ तक चेन थी, तो हमने यहाँ तक चेन में बना लिया हाफ डबल क्रोशिया। देखिए चेन में बना ली। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो राउंड है ऊपर से एक दो, तीसरे नंबर का जो राउंड आता है उसमें आती है डबल क्रोशिया, इसमें डबल क्रोशिया मैं डालूँगी
और हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी। अब देखिए जो हम नीचे से जॉइंट करते हैं एक, उसमें हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे, तो दो हो गई हाफ डबल क्रोशिया। अब एक देखिए यहाँ से एक दो तीन, पीछे से भी हमारा तीसरे नंबर का डबल क्रोशिया का राउंड है, तो उसमें भी हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब ये हमने टोटल तीन इसमें बढ़ा दी हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं पर मैं स्लिप स्टिच कर देती इस तरीके से। अब देखिए हमारा ये इस तरीके से होल बन के रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। हर चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया हम बनाते हुए आएंगे इस तरीके से। ऐसे हर चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें अब पूरा राउंड की चेन मिल गई है, तो हर चेन में मुझे एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, उसके ऊपर एक सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमें तीन ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, और फिर ये तीसरे में हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया है, तो टोटल इसमें देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया। हाँ देखिए गाइस हमारे में दो हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई हैं और तीसरे में मैंने सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया है। और अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप लड्डू गोपाल की बाजू में डाल के आप अच्छे से बना सकते हो। तीन बार भी कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीन बार हाफ डबल क्रोशिया कर देना तो भी ठीक रहेगा, सिंगल डबल क्रोशिया मत करना, हाफ डबल क्रोशिया कर देना। बट मैंने इसमें दो बार हाफ डबल क्रोशिया करा है और एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करा है, तो मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ गाइस। पूरा इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी मुकुट और इसका दुपट्टा भी बनाना है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए गाइस मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा फाइनल लुक कुर्ता बन के आया है, और ये हम तीन नंबर और चार नंबर को भी पहना सकते हैं। और गाइस ये मैंने बेबी सॉफ्ट ऊन से बनाया है, इसलिए थोड़ा सा मोटा लग रहा है। और आप बेबी सॉफ्ट ऊन से ना बनाएं, आप पतली ऊन से बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से भी पहना सकते हैं और इधर से भी। और देखिए मैंने इसमें डोरी लगा दी है इस तरीके से, बीच में आप भी लगा सकते हो ये डोरी, और कमर पे हम बांध सकते हो। ऊपर चिटचैट लगा देना गाइस, यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ पर चिटचैट लगा दोगे बहुत प्यारा लगेगा गाइस। और अगर आपको ये मैंने पूरी लेंथ बनाई है इसकी, अगर आपको जैसे ही कान्हा जी बैठेंगे तो ये एक पल्लर आपका यहाँ पर एक राउंड रखा हुआ आएगा। अगर आपको ये रखा हुआ नहीं पसंद है तो आप इसमें तीन राउंड ही बनाएं तो काफ़ी होगा। और या फिर यहाँ नीचे वाले को डबल क्रोशिया की जगह आप हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हो तो भी बहुत प्यारा लगेगा। और गाइस देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने यहाँ पर ये पता नहीं कैमरे में पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर मैंने डोरी भी लगा रखी है जहाँ मेरा थंब रखा है, तो देखिए इस तरीके से। और ये खुला भी है पीछे से, और मैंने ये यहाँ पर सिल दिया है। तो गैस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप सब तक पहुँच पाए। और गैस जो भी कमेंट करते हैं तो क्या रहता है ना कि उनका कमेंट इतनी जल्दी नहीं वीडियो हो पाती है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है तो थोड़ी बहुत एक दो दिन का टाइम लग जाता है उनकी वीडियो अपलोड करने में। तो ये ना सोचा करें कि मैं उनकी वीडियो मतलब उनका कमेंट मैंने पढ़ा नहीं है या फिर मैं डालूंगी नहीं, डालूंगी बट थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, इतना हो सकता है, बट आएगा ज़रूर। अगर आपने बोला है कमेंट करके तो आपका जो भी वीडियो बनवाई है जिस नंबर की वो आएगी ज़रूर, बट थोड़ी बहुत एक दो दिन के लिए लेट हो सकती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।